हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा कॉम्पिटेटिव स्टडी ओसीएस। मु सरोज कुमार आपण मानंकु स्वागत करुची ओडिशा कॉम्पिटेटिव स्टडी चैनल रे। तो आज आम एएस रो किछि मिक्स जीके ऊपर डिस्कस करिबा। तो चालन तु स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो, जोंटा कि आपणकर एसएससी रेलवे तथा डिफरेंट टाइप रो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम पई रिलेवेंट रहिबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन होउची, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट भागवत गीता इनटू इंग्लिश। तो किए प्रथमे आपणकर भगवद गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले, तो यार आंसर हबो चार्ल्स विल्किन्स। तो मन रखिबे चार्ल्स विल्किन्स फर्स्ट टाइम पई भगवद गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले। तो एटा हेइथिला आपणकर वारेन हेस्टिंग को टाइम रे, वारेन हेस्टिंग को टाइम रे। तो वारेन हेस्टिंग थिले आपणकर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट मन रखिबे, जदि एग्जाम रे पचारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए, तो यार सठिक आंसर हबो मन रखिबे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यही दुईटी पॉइंट मन रखिबे आपण, कि जदि पचारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तबे यार आंसर हबो वारेन हेस्टिंग, जदि पचारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तबे यार आंसर हबो विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ इन इंडिया। तो कौ रिवर को इंडिया रे रिवर ऑफ डेथ बोली कहा जाए, तो यार सठिक आंसर हबो सियोक रिवर। तो सियोक रिवर को आपणकर इंडिया रे रिवर ऑफ डेथ बोली कहा जाए। तो एटा होचो आपणकर इंदोस रिवर रो ट्रिब्यूटरी, मन रखिबे एटा होचो आपणकर इंदोस रिवर रो ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट जदि आपणकु क्वेश्चन पचारे कि इंदोस रिवर कोंठारी ओरिजिन होईची, तो मन रखिबे इंदोस रिवर आपणकर बखारछु ग्लेशियर रो ओरिजिनेट होईची, बखारछु ग्लेशियर रो ओरिजिनेट होईची। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हेबलॉक आइलैंड। तो हेबलॉक आइलैंड रो न्यू नेम कोन, तो यार आंसर हबो मन रखिबे स्वराज द्वीप। तो हेबलॉक आइलैंड कोंठारे अवस्थित, आंडामान निकोबर रे। तो आपण जानि रखिथिबे कि आंडामान निकोबर आइलैंड रे तीनोटी आइलैंड रो नेम मोदी जी चेंज करथिले। तो फर्स्ट मन रखिबा कि गोटे अछि आपणकर रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड। तो रॉस आइलैंड को चेंज करी मोदी जी रखिथिले एटाकु नेताजी, नेताजी सुभाष बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष बोस आइलैंड। नेक्स्ट थिला आपणकर हेबलॉक आइलैंड जेउटा कि चेंज कर रखिथिले स्वराज द्वीप। नेक्स्ट आसीबा आपणकर नील आइलैंड, नील आइलैंड। तो नील आइलैंड को चेंज कर रखा जाइछि शहीद द्वीप, मन रखिबे शहीद द्वीप। ठीक अछि, तो एही तीनोटी इंपोर्टेंट आइलैंड रो नया चेंज करा जाइथिला, तो मन रखिबे। तो इठी आपण जानि परिबे कि एटा रॉस बॉस, मन रखिया पई आपन को इजी हबो रॉस बॉस। तो रॉस आइलैंड रो न्यू नेम कोन होईची सुभाष बॉस आइलैंड। नेक्स्ट आपण एठी हेबलॉक, हेबलॉक रु आपण गोटे वर्ड देखिबे लॉक, लॉक रो अपोजिट कोन स्वराज। तो एठी आसी जिवो एहार न्यू नेम कोन स्वराज द्वीप। नेक्स्ट आसी जिवो आपनकर नील आइलैंड। तो आपण माने जानिथिबे कि मनीष मरी गला परे तार बॉडी कोन होइथे ब्लू कलर होइ जायथाय। तो नील, नील माने कोन ब्लू, तो ब्लू रु हेजिव आपनकर शहीद, मरीगला परे कोन होइ जांती शहीद। तो नील आइलैंड को मन रखिबे शहीद द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल रो हेडक्वार्टर कोंठारे अछि, तो यार सठिक आंसर हबो लायन फ्रांस। तो आपनकर इंटरपोल रो हेडक्वार्टर अछि लायन फ्रांस। तो इंटरपोल कोन, इंटरपोल होछु आपनकर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जेटा कि आपनकर क्राइम पई रहिथे इंटरनेशनल स्तर रे। तो यार फुल फॉर्म कोन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा, हु वाज द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट एंड सिविल गाइड मूवमेंट इन इंडिया। तो बॉय स्काउट एवं सिविल गाइड्स मूवमेंट रो फाउंडर कहा को कहा जाए इंडिया रे। तो मन रखिबे बाडेन पावेल। तो बाडेन पावेल को कहा जाए आपणकर बॉय स्काउट एवं
सिविल गाइड मुवमेंटर फाउंडर। नेक्स्ट आसवा ह्वाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस। तो यहाँ आपणकर कन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि गोटे ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम पीरियड केते होइथाय, तो यार आंसर हम 6 months and 6 weeks। तो आपण मैंने जानिथिबे कि आम पार्लियामेंट रे तीनोटी सेसन थाए, गोटे होचो आपणकर बजेट सेसन, गोटे होचो आपणकर मनसून सेसन एवं गोटे होचो आपणकर विंटर सेसन। एवं जेकोणसी दुईटी सेसन मध्यरे मैक्सिमम गैप केते रहिथाय, मैक्सिमम गैप थाय आपणकर 6 months रो। तो फास्ट जानिबा कि ऑर्डिनेंस कौन, तो ऑर्डिनेंस होचो गोटे आपणकर टेम्पोररी लॉ, टेम्पोररी लॉ जेटा कि आपणकर प्रेसिडेंट लागू करिथांती। मन रखिबे प्रेसिडेंट लागू करिथांती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन, यार आर्टिकल होचो मन रखिबे 123। तो 123 डील करे आपणकर ऑर्डिनेंस आर्टिकल सहित, ठीक अछि। तो एटा कौन जत्ते बेला आपणकर आपणकर पार्लियामेंट रिसेस पीरियड रहथिबो, मन रखिबे जत्ते बेला आपणकर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जत्ते बेला आपणकर रिसेस पीरियड रहथिबो, जत्ते बेले रिसेस पीरियड रहथिबो सेते बेले कोन किछि जदि इम्पोर्टेंट लॉ करिवारो तयारी करिवारो आवश्यक पड़ी थाय, सेठी आपणकर प्रेसिडेंट पाखरे पावर अछि कि सी शॉर्ट टाइम पई लॉ को तयारी करि परिबे, जेटा को आपणकर कहा जाय ऑर्डिनेंस। एवं एठी देखियो जे कोनसी सेशन मध्यरे मैक्सिमम गैप अछि 6 months प्लस आपणकर प्रेसिडेंट पाखरे तांको पावर थाय 1 आपणकर 6 weeks रो पावर थाय प्रेसिडेंट पाखरे। तो टोटली आपण प्रेसिडेंट गोटे ऑर्डिनेंस को केते टाइम पे मैक्सिमम पीरियड पर्यंत रखि परिबे, तो यार सठिक आंसर हबो 6 months and 6 weeks। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा लोमास ऋषिकेव लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो लोमास ऋषिकेव कौन स्टेट रे लोकेटेड अछि, तो यार सठिक आंसर हबो बिहार रे। तो मन रखिबे कि लोमास ऋषिकेव को आउ कौन कहा जाए, ग्रोटो ऑफ लोमास ऋषि, यहाँ को आउ कौन कहा जाए ग्रोटो ऑफ लोमास ऋषि, ग्रोटस ऑफ लोमास ऋषि। तो यहाँ अच्छी आपणकर दुईटा पहाड़ मध्य गोटे हूँ आपणकर बारबर, बारबर एंड आउ गोटे हूँ आपणकर नागार्जुनी हिल, नागार्जुनी हिल जेटा कि अच्छे आपणकर जेहनाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रे। नेक्स्ट आसवा हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी रो फर्स्ट चेयरमैन किए थे, तो यार सठिक आंसर हम रॉस बार्कर। तो रॉस बार्कर थी आपणकर यूपीएससी रो फर्स्ट चेयरमैन। एवं जदि यूपीएससी कौन आर्टिकल डील करे, तो मन रखिए यूपीएससी रो आर्टिकल नंबर के 315। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा अढ़ाई दिन का झपरा वाज बिल्ड बाय होम, तो अढ़ाई दिन का झपरा कहा द्वारा तैयारी करा जाइथला, तो मन रखिए कुतुबुद्दीन आइबाक। तो कुतुबुद्दीन आइबाक तैयारी करथिले आपणकर अढ़ाई दिन का झपरा, तो ये थिला आपणकर स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी मरीगला परे सी डायनेस्टी एस्टाब्लीश करथिले जहाँ को कहा जाउथला आपणकर स्लेव बा इलबारी डायनेस्टी। तो जदि पचारे आपणकर सिल्वारी, सॉरी जदि आपणको पचारे स्लेव बा इलबारी डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी रो फाउंडर किए, तबे यार सठिक आंसर हबो कुतुबुद्दीन आइबाक। नेक्स्ट पॉइंट मन रखिबा कि कुतुबुद्दीन आइबाक इंडिया रो फास्ट मस्क्यू निर्माण करथिले, जहार ना थिला कोनो क्वात, क्वात उल इस्लाम, मन रखिबे क्वात उल इस्लाम जेटा कि अछि आपणकर दिल्ली रे। नेक्स्ट जदि आपणको पचारे अढ़ाई दिन का झपरा, अढ़ाई दिन का झपरा, तो अढ़ाई दिन का झपरा आपणकर कोंठारे अछि, एटा अछि आपणकर अजमेर रे। आउ गोटे काम से करथिले कि से आपणकर कुतुब मीनार रो, कुतुब मीनार रो फाउंडेशन करथिले, कुतुब मीनार रो फाउंडेशन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा व्हेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ गद्दार पार्टी, तो गद्दार पार्टी रो हेडक्वार्टर कोंठारे अछि, तो यार सठिक आंसर हबो सान फ्रांसिस्को। तो गद्दार पार्टी रो हेडक्वार्टर कोंठारे थिला सान फ्रांसिस्को। तो या रिलेटेड आपनको गोटे क्वेश्चन पचारि कि गद्दार पार्टी रो फाउंडर किए, तो मन रखिबे गद्दार पार्टी रो फाउंडर होउछि सोहन सिंह, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट आसीबा बाबा बुदन हिल लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, तो बाबा बुदन हिल आपणकर कौन स्टेट रे लोकेटेड अछि, तो यार सठिक आंसर कौन हबो कर्नाटका।
तो बाबा बुदन हिल आपणकर कॉफी प्रोडक्शन पे फेमस होई थाए। कॉफी प्रोडक्शन पे आपणकर फेमस होई थाए। तो कॉफी आपणकर मेनली आपणकर दुईटी टाइप रो गोटे होचो आपणकर अरबिका कॉफी आउ गोटे होचो आपणकर रोबुस्ता कॉफी मन रखिबे रोबुस्ता कॉफी। नेक्स्ट आसीबा पलाभरम डैम बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। तो पलाभरम डैम कौन नदी उपरे तयारी होईची तो मन रखिबे गोदावरी। पलाभरम डैम आपणकर गोदावरी नदी उपरे तयारी होईची तो जेटा कि आपणकर आंध्र प्रदेश रो अछि। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा हु इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर इन ऑफिस। तो इंडिया रो कौन वाइसरॉय को ऑफिस रे मर्डर करा जायतला तो यार सटीक आंसर कोन होबो लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो फर्स्ट वाइसरॉय जहां को इंडिया रे ऑफिस रे मर्डर करा जायतला। तो मन रखिबे यांकु मर्डर किए करतिला सर अली अफरीदी। ठीक अछि तो फर्स्ट टाइम पे आपनकर लॉर्ड मायो को मर्डर करा जायतला ऑफिस रे एवं तांकु मर्डर किए करतिले सर अली अफरीदी एवं एटा कोंठारे होइतिला पोर्ट ब्लेयर रे थिबा सेलुलर जेल रे। नेक्स्ट पॉइंट मन रखिबा कि आपनकर लॉर्ड मायो दुईटी कॉलेज एस्टेब्लिश करथिले गोटे थिला आपनकर राजकोट कॉलेज जोंटा अछि आपनकर कथिया वार। नेक्स्ट आसी जेबा आपनकर मायो कॉलेज एटा एस्टेब्लिश करथिले आपनकर अजमेर थारे। ठीक अछि एवं एही मायो कॉलेज रे कोनो इंडिया रो जो जति कि सब प्रिंस माने थिले से मानंकु एठी ए कोनो शिक्षा दिया जाउथला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा बैटल ऑफ प्लेसी फॉट इन व्हिच ईयर। तो बैटल ऑफ प्लेसी आपनकर कोउ मसिहा रे युद्ध होइथला तो यहार सटीक आंसर हबो 1757 रे। तो उड़िया रे एहा को कह जाय पलासी युद्ध। ठीक अछि तो मन रखिबे बैटल ऑफ प्लेसी रे आपनकर कहा कहा भितरे युद्ध होइथला तो फर्स्ट थिला आपनकर रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजउद्दौला जे कि आपनकर थिले बेंगल रो नवाब। तो एही दुजन को मध्ये रे युद्ध होइथिला एवं एही युद्ध रे किए जीतिथिला आपनकर विनर थिला आपनकर रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजउद्दौला को सहित दुजन थिले जणे थिला आपनकर मीर जाफर आउ जणे थिला आपनकर राय दुर्लभ। तो इठारे कोन होइथिला कि मीर जाफर थिले आपनकर सिराजउद्दौला को कमांडर इन चीफ किंतु ये कौन करथिले कि रॉबर्ट क्लाइव को सहित हाथ मिसाइथिले सिराजउद्दौला को सहित युद्ध रे थाई कि मध्ये से युद्ध करि नथिले। तो जहाँ फल रे कौन होइथिला कि सिराजउद्दौला हारि जाइथिले। नेक्स्ट कौन होइथिला कि रॉबर्ट क्लाइव कौन करथिले नेक्स्ट होचु मीर जाफर को कौन करथिले कि बेंगल रो नवाब भाबे एस्टेब्लिश करथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम। तो कौन स्टेट प्रथमे आपनकर पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट करथिला तो यार सटीक आंसर कौन हम राजस्थान स्टेट। तो मन रखिए राजस्थान रो गोटे डिस्ट अच्छी जार ना हो नागर डिस्ट। तो नागर डिस्ट रे फर्स्ट टाइम पे पंचायत राज सिस्टम बा 3-tier सिस्टम को अडॉप्ट करा जायतिला एवं एटा होइतिला आपनकर October 2, 1959 रे। नेक्स्ट आसीबा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट बोरोड करा जायतिला कौन कंट्री रु तो यहार सटीक आंसर हबो मन रखथिबे जर्मनी। तो आपनकर जते बेले नेशनल इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल को सस्पेंस करी हबो तो सस्पेंशन करिवार एई जो धाराटा कोंठारु आसीथिला जर्मनी रु। आ जदि पचार आपनकर फंडामेंटल राइट कोंठारु आसीथिला तो मन रखिबे यूएसए रु आसीथिला आपनकर फंडामेंटल राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो आपनकर अयोध्या सिटी कौन नदी कूल रे अवस्थित तो मन रखिबे सरायू रिवर पाखरे अछि आपनकर अयोध्या सिटी। नेक्स्ट आसीबे आपनकर ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज्ड टू मेजर। तो ब्यूफोर्ट स्केल आपनकर कहाकू मेजर करिथाय मन रखिबे
ୱିଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି, ୱିଣ୍ଡର ଭେଲୋସିଟି ବା ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ଼କୁ ମେଜର କରିଥାଏ ବ୍ୟୁଫୋର୍ଡ ସ୍କେଲ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନିମୋମିଟର, ଏନିମୋମିଟର ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ଼କୁ ମେଜର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନକୁ କିଏ ମେଜର କରିଥାଏ, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍, ତ ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନକୁ ମେଜର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଜଞ୍ଜିର ଇ ଅଦଲ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପିୟର, ତ ଜଞ୍ଜିର ଇ ଅଦଲ କେଉଁ ମୋଗଲ ଏମ୍ପିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତ ଏଟାକୁ ଜଞ୍ଜିର ଇ ଅଦଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ, ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ବା ଜଞ୍ଜିର ଇ ଅଦଲ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି, ତ ଆଇଏନ୍ସିର ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ। ମନେ ରଖିବେ ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସି ଫର୍ମେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1885 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଯଦି ପଚାରେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି, ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍, ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି। ୟାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମ କ'ଣ, ଏଲେନ୍ ଅକ୍ଟେଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସିର ଫର୍ମେସନ୍ କେଉଁ ଭାଇସରାଇଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ତ ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ ଡୁଫ୍ରିନ୍, ଲର୍ଡ ଡୁଫ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଇଏନ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 20 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।